साइकिल, तारा तुमको नहीं मिलने वाली। रोहित मल्होत्रा, तुम फिर भटक रहे हो, अपने लोगों से दूर भाग रहे हो, वही लोग जो तुम्हें खुश रखते हैं। आखिर तुम पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? तुम्हें पोपो और पेठा को लेकर यह एहसास हुआ कि वो तुम्हें पागल कर देंगे? अरे सच पूछो तो तुम्हें उनकी हरकतें बहुत अच्छी लगती थी, है ना रोहित? क्या तुम्हें कभी भी नहीं लगता कि पोपो और पेठा जैसे तुम्हारे बेटे होने चाहिए? अपना एक घर जहां तुम रोज जाओ, जहां तुम्हारा कोई इंतजार करे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे। अरे बेवकूफ, आज वो सब तेरे पास होता अगर तूने वो सब ठुकराया नहीं होता। तूने बरसों शीना का इंतजार तो किया, लेकिन आखिर में माला का हो गया। और जब खुद शीना तेरे पास आई तो तू माला का था, और जब शीना निराश होकर चली गई तो माला भी तेरी जिंदगी से चली गई। अब देखा तूने बेवकूफ, कितना बड़ा उल्लू है। अरे तू जाकर शीना से क्यों नहीं मिलता? अगर वाकई में तुम अच्छे दोस्त होगे तो शीना तुम्हें जरूर एक्सेप्ट कर लेगी, और फिर वो अकेली भी तो है, हो सकता है उसको तुम्हारी जरूरत हो। देखो जल्दी करो, तुमने उसे कितने दुख दिए हैं, जल्दी जाओ उसके पास। सिर्फ वही है जो तुम्हारी जिंदगी को संवार सकती है। हाँ, शीना ही है जो तुम्हारी जिंदगी के सूनेपन को भर सकती है रोहित। अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? हाँ रोहित, हाँ यह भी करना होगा, नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। मैं क्या कहूं? कुछ मत कहो, बस चुपचाप खड़ी रहो। थैंक गॉड रोहित, तुम मुझसे मिलने चले आए। अगर मुझ पे छोड़ा होता तो मैं कभी नहीं आती। क्यों? ये तुम पूछ रहे हो, तुम्हें याद नहीं? नहीं नहीं शीना, वो सब कुछ भी याद नहीं जिसकी वजह से हमने मिलना छोड़ दिया था। वो याद नहीं इसलिए तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वक्त बहुत बड़ी मरहम है, और इसी वक्त ने हमारे रिश्ते को एक बार फिर से जोड़ दिया शीना। रोहित, ओ रोहित, मैं वाकई में कुछ कह नहीं पा रही हूँ। रोहित मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ, तुम मेरे अपने हो रोहित। आज तुम्हें अपने सामने खड़ा देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि इतने महीनों कितना अंधेरा था। आई मिस यू फ्रेंड। सो है भाई शीना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे एंगेजमेंट में बहुत बुरा बिहेव किया था, और शायद उसी के बाद हम लोग बिछड़ गए थे। आज के बाद हम लोग कभी नहीं बिछड़ेंगे। शीना, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ, कुछ बात करने आया हूँ। क्या ऐसी बात शीना, जिसके बाद हम जिंदगी में फिर कभी नहीं बिछड़ेंगे? लेकिन पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहले मैं? नहीं, पहले मैं। देखो शीना, हमेशा तुम अपनी बात पहले कहती आई हो, इस बार प्लीज मुझे अपनी बात पहले कह लेने दो। नहीं रोहित, जो हमेशा से होता आया है वो ही होने दो। हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, मुझे जो कहना है बोल लेने दो, और फिर तुम कह लेना। मैं घंटों, महीनों, सालों साल, जिंदगी भर सुनती रहूंगी। इस बार मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगी। तुम मेरे हो रोहित, शीना का एक ही तो अपना था और उसका नाम रोहित था, और आज भी है।
और हमेशा रहेगा। बोलो शीना, क्या कहना चाहती हो? रोहित, रोहित मैं बहुत खुश हूँ। रोहित, मैं अपनी जिंदगी सही रास्ते पे लाने में सफल हो गई। हाँ, और रोहित, अब तो मैंने पीना भी छोड़ दिया है। हाँ, अब मैं कभी भी अपनी टेंशन का बोझ तुम्हारे सर पे नहीं डालूंगी, क्योंकि कोई टेंशन है ही नहीं। श्रिया और शांतम भी बहुत अच्छी तरह बड़े हो रहे हैं। श्रिया का रूप लेकर भगवान मेरे पास आया है और उसने सब मेरे प्रॉब्लम्स हल कर दिए हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सिक्योर हो गई हूँ। हर रोज चैन की नींद सोती हूँ। शीना, शीना, मैं बहुत खुश हूँ। रियली मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपनी मंजिल के पास आ गया हूँ। जैसे दिन भर की थकान के बाद कोई आदमी अपने घर पर लौटता है और उसे जो सुकून मिलता है वही महसूस कर रहा हूँ मैं। मैं बहुत खुश हूँ शीना। नहीं सुनो, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो रोहित। रोहित, चीजो मेरे पास वापस आ गया है। वो बहुत सुधर गया है और मुझसे बहुत प्यार भी करता है। लगता है हम दोनों के बुरे दिन खत्म हो गए हैं। जिस दौर से हम लोग गुजर रहे थे वही दौर हम पर गुजर चुका है। शायद इसीलिए तुम मेरे पास वापस आ गए हो। रोहित, रोहित, तुम मानोगे नहीं कि मैं कितनी खुश हूँ। बहुत देर हो गई है शीना, मुझे मुझे जाना चाहिए ऑफिस में। दरअसल मेरा काम रुका होगा। इतनी जल्दी? लेकिन तुम तो मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना। वो शीना, क्या है कि मैं इतनी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। और लेकिन मैंने तुम्हें रोक दिया। हमेशा की तरह मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहती थी। हाँ शीना, और हमेशा की तरह मैं तुम्हारी बातों में अपनी बात कहना भूल गया। इस बार भी हमेशा की तरह बहुत देर हो चुकी, लेकिन मैं तुमसे मिलने आऊंगा, जरूर आऊंगा। अपना ख्याल रखना। ओ रोहित, आई एम सो हैप्पी। तुम कितने अच्छे हो, हमेशा की तरह। आई केयर फॉर यू। यस आई डू। आउच आउच, क्या करता है? ऐसा एक्सीडेंट करा के आया है जैसे किसने तुम्हारा पिटाई किया हो। ठीक बैठ। ये लाते मारी हो, मुक्का मारा हो, ऐसा लगता है। आंटी आंटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको बोला ना मैंने, वो मैं अपना दोस्त का मोटरसाइकिल चलाता था, मोटरसाइकिल स्किड कर गया, गिर गया, अपन थोड़ा सा मार लगा, कुछ नहीं हुआ। हाँ तो गिर गया और स्किड क्या होता, तो ऐसा स्कार इधर नहीं पड़ता ना। आंटी आपको झूठ काहे को बोलेगा? आपको क्यों झूठ बोलेगा? आपको तुम क्यों झूठ नहीं बोलेगा? क्योंकि तुमको मालूम है कि तुम अगर आंटी को सच बोलेगा तो आंटी तुम्हारा दोबारा पिटाई करेगा और तुम दोबारा पिटाई नहीं करवाना चाहता। इसका वास्ते शट अप। आप अपने को बिलीव काहे को नहीं करता? मैं नहीं बिलीव करती तेरे को। अगर हम तुमको बिलीव करता ना तो आज तुम इधर नहीं होता। 5 साल पहले जब तुम बड़ा हुआ था ना, कुएं में जाके कूद गया होता। स्टूपिड। कुछ भी बोलते रहता तुम। हाँ, हम कुछ भी बोलता है। अभी अपने को एक एसटीडी करके आने का है, ठीक है? नहीं, तुमको किधर भी नहीं जाने का, समझा? आंटी अपन यूं भाग के गया और दौड़ के आया, अभी 2 मिनट में एसटीडी करके आया। हम तुमको बोला ना कि अभी आराम करने का, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हाँ आंटी, अपन इधर ही जाके आता है, बहुत नजदीक है। अभी आखा दिन क्या किया, खाली आराम किया ना। एक फोन करने का है, बहुत जरूरी फोन है। अपन ऐसा गया और ऐसा आया, अभी कुछ नहीं बोलना। देखो जल्दी आएगा ना। स्वीट आंटी, अपन अभी आएगा, अभी आएगा, 2 मिनट के अंदर। ओके, उसको जरूर कोई प्रॉब्लम है। हमको झूठ बोलता है, जब ये झूठ बोलता है ना तो बहुत खुश हो जाता है। ओ गॉड, इसका ख्याल रखना। हमारे सिवा इसका इधर है कौन? अब हमको भी तो तुम डे बाय डे ओल्ड करता जाता है। पोपू का ख्याल रखने के लायक भी नहीं रहेगा हम। प्लीज उसका हेल्प करो, उसका हेल्प करो। हेलो, हेलो तारा। हाय पोपो, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? ठीक तो है पोपो। तारा, तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा सब ठीक है। क्यों? देखो तारा, अगर तुम खुश नहीं हो तो वापस आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं कह रहा हूँ ना, अब तक के वक्त ने सब कुछ ठीक कर दिया है ना, अभी भी तुम वक्त के हाथ में सब कुछ छोड़ दो, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा आगे भी। नहीं पप्पू, वक्त हमेशा मेरे लिए आगे बढ़ा है, ये पहली बार है जब वक्त ने मुझे पीछे खींचा है। शायद ये तरीका है वक्त का सब कुछ ठीक करने का, मैं अब भी वक्त के भरोसे ही हूँ। लेकिन दाना तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम्हारी आवाज क्यों टूट रही है? दिल का आवाज पे कुछ तो असर होगा ही ना, जब दिल टूट रहा है तो आवाज भी। दारा मैं कुछ नहीं जानता, मैं वहां पे आ रहा हूँ। देखो अगर तुम नहीं खुश हो तो मैं वहां पे आ रहा हूँ। नहीं पप्पू, अगर मुझे अकेले रहना है तो मुझे अभी से उसकी आदत डालनी पड़ेगी। एनीवे थैंक्स फॉर कॉलिंग, ये सोच के अच्छा लगता है कि किसी को मेरी फिक्र है। बाय पप्पू। तारा तारा देखो, मैं कल फिर फोन करूंगा। कितने पैसे थे? 75। छोकरे ने कौन सा नंबर डायल किया था? साहब हम नहीं बता सकते, हमारे उसूल के खिलाफ है। तेरे बच्चे मिठाई खाओ, उसूल बेचो और नंबर दो। जीरो वन सेवन फोर, ये तो चंडीगढ़ का कोड। चंडीगढ़ चाचा भाई बहन सबके सामने मैं कमजोर पड़ जाऊंगी अगर मैंने तुझसे हार मान ली। तो तू जानता नहीं है कि मैं इस दुनिया में तुझे खत्म करने के लिए भेजी गई हूँ। तुझे खत्म किए बगैर मैं कैसे वापस लौट सकती हूँ? ये सब तो भगवान मेरे साथ जान बूझ के कर रहा है। वो चाहता है कि मैं तुझ पे और बेरहमी दिखाऊं। ये सब करके भगवान मेरे अंदर ताकत पैदा कर रहा है, उतनी ताकत जितनी तुझे खत्म करने में। तेरा अंत कैसा होगा तू नहीं जानता, जितनी तकलीफ।
अंजन, ये तेरी क्या हालत हो गई? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं राणा की बातों में आ गई। कंचन, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, लेकिन तू बिल्कुल फिक्र मत कर, बिल्कुल फिक्र मत कर। हम चारों साथ साथ रहेंगे। तारा तो परेशान हो रही होगी, उसे पता ही नहीं है कि हम लोग कहाँ हैं। शीना का भी वही हाल हो रहा होगा, लेकिन तू मत फिक्र कर, मैं ले जाऊंगी तुझे, मैं लेके जाऊंगी, यहां से ले जाऊंगी। देवयानी, ओ हाय शीना, मैं रिहर्सल के लिए निकल ही रही थी, चलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। क्यों, अब क्या हुआ? देवयानी, तारा को कुछ पता नहीं चल रहा है, ना जाने कहाँ चली गई है, एंड देयर इज नो रिप्लाई ऑन अ फोन। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ शीना? देवयानी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो। और मैंने सोचा हो सकता है यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द लेटेस्ट केस। देखो शीना, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती कि इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं या नहीं। एंड द लेटेस्ट अबाउट दिस केस इज कि तुम अगर उन्हीं लोगों से पूछो जो इस केस में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो तो ज्यादा बेहतर है। जैसे? जैसे पोपो, जिसे अचानक ही तारा से बहुत ज्यादा हमदर्दी होने लगी। और मैं गलत सिर्फ इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि तारा कहाँ है और कैसे है, क्योंकि मैं इस बात में इंटरेस्टेड हुई नहीं। Shame on you, Devyani. Shame on you. शीना, तुम्हें जो कहना है तुम कहती रहो, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम सीधे तरीके से बात करोगी या नहीं? Excuse me, शीना, तुम्हें इस बदतमीजी से बात करने का मुझसे कोई हक नहीं है। और तारा से बदतमीजी करने का तुम्हें पूरा हक है ना? तारा के साथ मैं जैसे पेश आ रही हूँ मुझे ऐसे ही पेश आना चाहिए। लोगों के पाप उनके चेहरे पर झलकते हैं, छुपाए नहीं छुपते सर पे चढ़कर बोलते हैं। तारा का चेहरा उसके पापों की गवाही दे रहा था, उसके पाप उसके चेहरे पर झलकते थे। मैंने उसके साथ बिल्कुल सही किया, उसका अंजाम तो इससे भी बुरा होना चाहिए। बिच, शीना, तुम्हें जो कहना है तुम कहती रहो, लेकिन तुमने, तारा ने और आरजू ने एक दूसरे के फर्ज और जिम्मेदारियों का ठेका उठाया। तुम ये मत समझो कि तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स और फर्ज कोई और भी बर्दाश्त कर सकता है, उन्हें अपने गले से नीचे उतार सकता है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे घटिया सवालों के जवाब देने का ठेका नहीं उठाया, समझी तुम? चाहे तुम्हारी गलती की सजा कोई निर्दोष भुगते है ना? Come on, Sheena, stop being an immature. मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ और कह रही हूँ बिल्कुल सही है। तुम्हारे गलत कहने से मैं उसे गलत क्यों मान लूँ? Please give me a break now. देवयानी, तारा गायब है। मेरी जिंदगी से वो कब की गायब हो चुकी है शीना, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तुम पोपो से ही जाकर क्यों नहीं पता करती? क्योंकि पोपो इस मामले में आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। अभी आया था कुछ दिनों पहले मेरे पास तारा का एक नोट लेकर, जिसमें लिखा था कि वो कहीं जा रही है। अब कहाँ जा रही है वो तो भगवान ही जाने। पोपो ने सारा गुस्सा आकर मुझ पर निकाला, क्योंकि वो समझता है सबके लिए जिम्मेदार मैं। भगवान जाने कहाँ जा रही है? आई डोंट बिलीव दिस देवयानी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकती हो। शीना, मैं इससे भी नीचे गिर सकती हूँ, अगर तुम भी आजमाना चाहो तो आजमा सकती हो। यू आर सिक देवयानी, यू आर सिक। How dare you, Sheena? How dare you? मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दिया तुम लोगों ने, जीना हराम कर दिया है मेरा। हर वक्त हर बात पर टांग अड़ाते हो तुम लोग। मेरी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं, समझी? अरे यार, बिच। अब मैं समझी। अब मुझे सिर्फ समझ में आ रहा है तारा इतने साल तक तुम्हारे साथ कैसे निभा रही थी। तुम जैसी के साथ, you are a bitch, a selfish bitch. जो कहना है तुम कह रही हो, मैं जा रही हूँ। पड़ते हैं तारा, अब समझ में आया तुम पर क्या बीत रही थी। इंसान जब पत्थर से सर टकराता है तो अपना ही सर फोड़ लेता है,
पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता।